रेजा नहीं जा रही, रेजा पढ़ रही है, सारा जा रही है। अब वो आई है तो वो तो घूमेगी ना। अरे माशा लुपी है तो बड़ा अच्छा। अच्छा मतलब जब मुझे कोचिंग छोड़ने जाना है तब भी जाएगी फिर? हाँ। क्यों? अरे बेटी का इसके बाल कटा। फ्रेंड्स अभी हम लोग जा रहे हैं रेहान को गंजा कराने। इस तरह का थोड़ा शॉर्ट कर दीजिए। हां दिखा दो। नहीं ये सब बड़ा हुआ नहीं चाहिए, भोपाल में रहो। हां ठीक है। इस वक्त रेहान का दिल एकदम धक धक हो रहा था कि शायद वो प्याज गंजा करा के छोड़ेगी, और उसका फेस देखिए अब कैसा हो रहा है, बड़ी टेंशन में लग रहा है। हैप्पी तो मतलब इसके हम कभी से छोटे करा ही नहीं सकते, वरना वो उचकेंगे। सोसाइटी ऑफिस में बुलाया था, जब एज अ ओनर बुलाते हैं सोसाइटी में तो बड़ा अच्छा फील होता है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। रेहान का हेयर कट कैसा लग रहा है? अम्मी इंसान है, सर से बोझ खत्म हो गया, कैसा फील हो रहा है? बहुत गंदा। और छोटे कर दो, करता नहीं कर सकते। अब फ्रेंड्स कल इनका प्लान फ्लॉप हो गया था मूवी का, तो इनका फिर से भूत जाएगा। एक बार आप कंफर्म कर लीजिए, जैसे बैठना था वैसे ही बैठेंगे ना? इसको उठा के यहाँ रखना है। देखिए चलती सारा, हम लोग 6:15 को निकलना है, क्योंकि पहले हम लोग वहाँ पे पहुँचेंगे, फिर पूछेंगे बच्चे अलाउड है यानी, फिर टिकट लेंगे, फिर जाके कुछ खाने के लिए लेंगे, फिर पहुँचेंगे, फिर चढ़ेंगे, फिर बैठेंगे, फिर ये भी देखना है एक के बाद नहीं बैठाते, फिर 5 मिनट बैठेंगे, फिर वहाँ पे पिक्चर स्टार्ट होगी तभी तो देखेंगे, वहाँ पे 5 मिनट पहले पहुँचेंगे तो पिक्चर आधे घंटे की छूट जाएगी। अभी यहाँ पे ना 6:30 होने वाला है, मैं अभी अपनी जल्दी से ग्रीन टी फिनिश करूँ और हम जा रहे हैं फिल्म देखने। पिछले व्लॉग में देखा होगा इनमें कितना ज्यादा पोपट हुआ, उन्होंने बहुत ज्यादा डिस्कशन कर लिए थे, तो मैं सोच रही हूँ उनको पास में एक यहाँ पे सिनेमा हॉल है, वहाँ पे जाके हम देख के आते हैं कि अभी टिकट्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे। स्पाइडरमैन का ट्रेलर देखा था, ठीक ठाक लगा था, मैंने इससे पहले की कोई फिल्म नहीं देखी है। 83 का भी ट्रेलर देख लेते हैं। लोगों ने कौन सी डिसाइड की? स्पाइडरमैन। तुमने स्पाइडरमैन ही रख लो? नहीं रख लो कैसे यार, क्योंकि अब दोनों की स्पाइडरमैन वाली पूरी क्रिकेट में घड़ी आई गई कि आज हम लोग जा रहे हैं, इतना सब कुछ सोचने के बाद लेट्स गो। तो एक ही ऑटो में हम 4 कैसे तैसे करके बैठ गए, हमें ज्यादा दूर भी नहीं जाना था, पास में ही था। देखिए हम बस निकले और पहुंच गए। रास्ता कहाँ से है? आगे टिकट इधर होंगे। स्पाइडरमैन 3D इंग्लिश है, 7:20 का पुष्पा। स्पाइडरमैन हिंदी है, स्पाइडरमैन इंग्लिश नहीं है। आप घर वापस नहीं? इंग्लिश नहीं समझ आई तो ठाकुर मॉल जाते ही नीचे जाके ये मत देखना, मुझे बैग देखना है, लिप बाम देखना है, लिपस्टिक देखना है, मॉइस्चराइजर देखना है, सीधा ऊपर जाना है। और देखिए ऑटो वाले भैया ने मॉल से कितना दूर उतारा है, वो बोल रहे हैं मुझे आगे जाके मोड़ना पड़ेगा, इसलिए आप यहीं उतर जाओ। अब क्या बोल सकते हैं, आजकल हर एक इंसान को अपनी सहूलियत देखना होता है। खैर जैसे तैसे हम पहुंच गए ठाकुर मॉल। तो हमको टिकट तो मिल गए थे, लेकिन रिजा रिहान ये सब का हम आधार कार्ड नहीं लाए थे, बड़ा टेंशन का माहौल था, उन लोग को आधार कार्ड चाहिए था। कार्ड की भी अम्मी जल्दी भेजो अभी इसी वक्त वाली भेजी भी थी, बोले एक बार फिर दिखा। चलो ये देखो। स्पाइडरमैन कहाँ पे है? सामने लिखा है स्क्रीन नंबर 1। कौन से पॉपकॉर्न चाहिए, कैरेमल चीज या सॉल्टेड? कौन कौन से साइज है? 290 का है। नहीं नहीं वो 290 वाला तो बड़ा चाहिए। नहीं दो मिरिंडा और दो मिरिंडा और उठाओ अपना अपना। मुझे इसका देख के हंसी आ रही है। सारा डर तो नहीं लग रहा? कुछ नहीं दिख रहा। जैसे खतरनाक अपराधी से जोड़कर सब क्यों बर्बाद कर रही हो? कुछ खिलाओ पिलाओ यार, बेचारा आपसे इंतजार कर रहा है। कुछ खास नहीं जानना, मेरा बस एक ही सवाल है। फिल्म देखते देखते भी मुझे काम करना पड़ा था, इंस्टाग्राम पे फोटो अपडेट करनी थी, उसके लिए लेट हो।
कहाँ घर? अरे अभी हाफ बच्चे चले, अभी तो है। तो आधी फिल्म हो गई है, मैं तो अपना काम कर रही थी, लेकिन इससे पहले की कुछ देखी नहीं है तो कुछ समझ में नहीं आता। बहुत लास्ट में टिकट लिया तो हमको बहुत नीचे का मिला, तो ऐसे करके देखना पड़ रहा है। ऐसे टिको ना, तो लेट कर देखो, ऐसे क्या खड़े खड़े है, तो मैं तो देख रहा हूं, ऐसे लेटो पूरा। तो यहाँ पे रेहान हमें कह रहा था कि आराम से लेट के देखो, लेकिन इत्तेफाक से जो रेहान को सीट मिली थी वो बहुत ज़्यादा नीचे तक चली जाती थी और हमारी नहीं हो रही थी। तो मैंने कहा अच्छा मेरी करके बताओ, तो वो आ नहीं रहा था। मैंने कहा सिर्फ मुझे करके बता दो ताकि मैं भी आराम से देख सकूँ। वो मुझे वॉर्न कर रहा था कि नहीं शालोपी, मैं अपनी ही जगह पर बैठूँगा। और फिर वो इधर पर आया और उसने देखा तो वो हमारी वाली सीट इतनी पीछे नहीं जा रही थी तो वो वापस अपनी सीट पर आ गया। रेहान की किस्मत आज अच्छी निकली। बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है ना। बहुत फिल्म हो गई पूरी, बच्चे काफ़ी हैप्पी हैं। हम लोगों ने काफ़ी सारी पॉपकॉर्न बचा दी थी, वो हम एक में करके घर ले जा रहे थे। बच्चे यहाँ पे क्रिसमस ट्री के साथ फोटो क्लिक करा रहे थे और इसके बाद हम निकल गए घर के। फिल्म जो है वो खत्म हो गई है, 9:45 हो गया। अरे मेरे बहुत मीठा होता है रिजा, वो चीज़ वाला ठीक है लेकिन सॉल्टेड ले तो ज़्यादा लाइट रहता है। आज हम लोगों ने ऑटो का वेट नहीं किया क्योंकि रिस्क नहीं ले सकते थे, ऑलरेडी 10 बजने वाला है, इसलिए हमने कैब ही बुक कर ली है। बोलो, अरे मुझे जाना है वॉशरूम। अरे सर वॉशरूम में। अरे वाह यहाँ पे तो दावत लगी है, बाहर से खाना फोरन से आया खाना। अभी हम लोग घर पहुँच गए हैं और अभी डिनर करेंगे, बहुत ही यम्मी सा चिकन और रोटी हो गई। खानों से बात ये होती है मोहब्बत, रात की इतनी ठंड में बाहर बैठ के अकेले बात। बताओ फिल्म कैसी लगी? बहुत अच्छी। अम्मी और खाला लोगों को ये दिन भर चलता रहता है। फ्रेंड्स आज हम लोग ना यहाँ पे हल्की हल्की ठंड का मजा ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पे बालकनी में बैठे हैं। दिन में तो बहुत गर्मी रहती है, दिन में तो लगता ही नहीं है कि सर्दी है। आग जली होनी चाहिए यहाँ पे ना। अम्मी जला लेगा ना कभी तसले में, अच्छा लग रहा है। चल चले कल एक तसला लेके आना पड़ेगा, स्टैंड स्टैंड लाना पड़ेगा कि ये ना हो जाए। कोशिश एक तसला जला के और रात में यहीं पे वो पार्टी करेंगे। हैं और क्या, मूंगफली मौदा की रखी है, लहिया पट्टी अम्मी की रखी है, गुड़ की रेवड़ी सब रखा है। ठंडी में गुड़ की रेवड़ी अच्छी लगती है, मौदा का मजा लेंगे। एक साल में 6-12 महीने होते हैं, 6 महीने मुझे हंसी नहीं आती, 6 महीने में मुझे इतनी हंसी आती कि बता नहीं सकती। इतनी नहीं आती, काम किया, नमाज पढ़ ली, अल्लाह की बात कर ली, काम कर लिया पूरा, उसके बाद फिर किससे हंसो, सब अपने काम में लग गई, बच्चे पढ़ाई में लग गए, सब अपने। फिर अब जब ये लोग आती हैं तो हंस लेते हैं दिल भर के अपना पूरा का, जिस चली आती है ये मेरी जाती है, मेरी हंसी भी ले जाती है। हंसने के बहुत सारे वजह होते हैं, वो कोई नहीं बता सकता। हंसते रहो, हंसाते रहो, जो जिंदगी में चले चलते रहने दो, खुश रहो बस। इस वीडियो को एंड करने जा रहे, मेरी कान क्यों निकला, तो कितनी ज्यादा तमन्ना थी तो वो पूरी हो गई और ज्यादा भीड़ भी नहीं थी। अम्मी लोगों से पूछ रही है तुमने क्या सीखा फिल्म देख के, लड़ाई करना। एक्शन बहुत बहुत ज्यादा एक्शन फिल्म थी फ्रेंड्स। एक चीज उसमें लड़की वो बार बार बोलती है, कोशिश करनी चाहिए ऐसा कुछ बोलती है, फैसले बड़ा होता है जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी ताकतों में बड़ी जिम्मेदारी मिलती है, ऐसा कुछ था ना। यही था फ्रेंड्स बताओ। और एक वो लड़की भी बोलती है चुप रहो, पूरी फिल्म में तो लड़ाई लड़ाई थी। अच्छा बहुत सारे स्पाइडरमैन के फैंस होंगे, बुरा नहीं लगे मतलब, लेकिन बहुत ज्यादा लड़ाई थी, गिर स्पाइडरमैन के फैंस की बदुआ लगे। हाँ फिल्म में ये सीखा कि अच्छे लोगों के साथ बुरा भी होता है कभी कभी, और मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग बुरे हैं, क्योंकि अच्छे लोगों को ज्यादा परीक्षा से गुजरना पड़ता है जिंदगी में। जो हीरो लोग होते हैं उनकी जिंदगी में कितनी परेशानी आती है, लेकिन आखिर में फिर वो हीरो बन के निकलते हैं ना। बच्चों को ये खुशी है कि सारा ने, रिजा ने, रिहान ने एक साथ फिल्म देखी, फिल्म देखी। बहुत कभी कभी ऐसा मौका है, फिल्म के बाद बिछड़ जाते हैं। अल्लाह हाफिज़।
नाटक कहाँ देख रही हो और आपको रेहान का हेयर कट कैसा लगा है फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताए। अल्लाह हाफिज। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे पूरा ही डायलॉग किसके अंदर खड़ी मैं सब। हाँ माइक खोल के तो देखो। अरे ये तो वो मलाइका का दोस्त गाना। इसमें वॉइस भी चेंज होती है। हेलो 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 गाना भैया हंसा दिया सबको।